माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, हम ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक सिचुएशन पे हम ध्यान देंगे। मेरे हाथ में देखिए कि मैंने यहाँ पे दो पार्टिकल्स आपको जैसे दिख रहा है। सो मान लेते हैं कि इसमें से एक पार्टिकल को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक पार्टिकल को नेगेटिवली चार्ज्ड हम एक्सेप्ट करते हैं। आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्स वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें? सपोज हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो ये सभी को लेके हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करें? हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और भी अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप और भी ज़्यादा डेप्थली ध्यान दें, सो इस पे जो भी फोर्स ये चार्ज फील कर रहे हैं, तो ये फोर्स क्या सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंडेंट है? अगर हम यहाँ पे वैक्यूम लेते हैं, वैक्यूम में अगर चार्ज को रखते हैं तो जो फोर्स फील करेंगे, मान लेते हैं हमने वैक्यूम को कोई मीडियम में रिप्लेस किया, फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर मीडियम में ले लिया। सो अगर हम वाटर मीडियम में लेते हैं तो क्या फोर्सेस का जो वैल्यूज है ये अफेक्ट होगा? तो ये सारे चीज़ों को लेके हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में पर्टिकुलरली हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस एक्ट होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम फोर्स का बात करें, सो फोर्स मीन्स इंट्रैक्शन। कोई भी फोर्सेस के पीछे कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन के रोल रहता है। वैसे यूनिवर्स में कई तरीके से इंट्रैक्शंस हो रहे, तो उसी इंट्रैक्शन में से ये जो इंट्रैक्शन है जो चार्ज के बीच में ऑपरेट हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बोल सकते हैं अगर पार्टिकल्स रेस्ट में हैं। हम इसलिए स्टैटिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके कई सारे रिसर्च हुआ है, कई सारे डिस्कवरीज हुआ है, बट जो फाइनल कंक्लूजन है उस कंक्लूजन के फॉर्म में मैं आपको कूलम्स लॉ के द्वारा ही एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज हम जो वाइडली एक्सेप्टेड लॉ है चार्ज पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन को लेके, हम इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। और आज की इस क्लास में हम कूलम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एज पर कूलम्स लॉ, अगर मैं ऐसा ही दो चार्जेस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये चार्ज को हम Q1 ले लेते हैं और विथ सम डिस्टेंस, और एक चार्ज मैंने Q2 लिया, ओके, और R इज द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। आप किसी को पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव, कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, कूलम्ब जो साइंटिस्ट है, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो नतीजे पे पहुँचे, जो कंक्लूजन में पहुँचे, वो ये था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसलिए हम इसको कई बार इन्वर्स स्क्वेयर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड लॉ है। ठीक है, अगर मैं ये दोनों डिपेंडेंसी को मर्ज करता हूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, करेक्ट। या हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को रिमूव कर देते हैं, सो देयर विल बी अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, उसको मैंने बीटा में रिप्रेजेंट किया, सो बीटा इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, करेक्ट। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1। यहाँ पे देखिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बीटा, आपको कुछ बुक्स में इसको के लिखा हुआ दिखेगा, के बीटा हम कुछ भी ले सकते हैं। सो बीटा एक स्पेशल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आपको थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, बीटा कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। सो बीटा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हुज वैल्यू, दैट मीन्स इट्स वैल्यू depends on surrounding medium. तो चार्ज किस मीडियम पे है उस पर डिपेंड करेगा कि बीटा का वैल्यू क्या होगा। सो मीडियम बदल गया तो बीटा भी बदल जाएगा। ठीक है, ये लिटिल बिट डिफरेंस है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब याद कीजिए कि ग्रेविटेशन में जो लॉ है, आप स्कूल में पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पे आपने ये एक्सप्रेस किया था कि फोर्स इज कैपिटल जी इनटू मासेस m1 m2 बाय आर स्क्वायर,
कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे ये तो एक जैसे ही फोर्सेस हैं, ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कि यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो हम जब भी आगे एप्लीकेशंस करेंगे, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर्स को एक्सप्रेस किया, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। अगर मैं दोनों चार्ज को पॉजिटिव ले लूंगा सो फोर्सेस विल बी रिपल्सिव, करेक्ट, ये भी एफ और ये भी एफ, ठीक है। सो ये जो रिपल्सिव फोर्स है तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, या अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्यू टू नेगेटिव है तो फोर्सेस विल बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बट जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका भी एक्सप्रेशन वही होगा, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा आपको इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जो बीटा है, इस पे हम थोड़ा सा और फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक तो बीटा जो है ये अलग अलग मीडियम पे इसके वैल्यू डिफरेंट है, नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, अभी इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे बीटा ये सब इरेज कर लेते हैं। So beta is proportionally constant and its value is 1 upon 4 pi epsilon naught. इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, 1 upon 4 pi epsilon naught. पर अगर चार्ज वैक्यूम में है, when charges are in vacuum में है तो हम इसको एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक नया क्वांटिटी दिख रहा है, मैंने इसको बोला एप्सिलॉन, ये जो सिंबल है एक लैटिन अल्फाबेट है, ओके, एक्चुअली इस अल्फाबेट का नाम है एप्सिलॉन या एप्साइलॉन, ओके, ये अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट मैं जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज कर रहा हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए मैं मीडियम वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज मीडियम बदल गया तो एप्सिलॉन भी क्या होगा, बदल जाएगा, मीडियम की प्रॉपर्टी है। पर मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लिखा हूँ, मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा हूँ, स्पेशली एप्सिलॉन नॉट सिंबल वैक्यूम के लिए यूज होता है। सो डेफिनेटली एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे सो दिस विल बी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, करेक्ट। इनफैक्ट कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बीटा का वैल्यू वैक्यूम में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यों। अगेन मैं उस पॉइंट पे आपको वापस लेके आऊंगा कि कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है, ठीक है। सो काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद ये फाइनलाइज किया गया है कि ये जो वैल्यू है, हम इस वैल्यू को लेके कई सारे एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन फेस करते हैं और एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में काफ़ी ट्रूथफुलनेस आने की वजह से उस एक्सपेरिमेंट का ट्रूथफुलनेस को ध्यान में रखते हुए हमने इस वैल्यू को एक्सेप्ट किए हैं, करेक्ट। अब आपको परमिटिविटी क्या है थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, सोचिए हमारे सराउंडिंग में कई सारे मीडियम हैं, कई सारे अलग अलग टाइप ऑफ मीडियम हैं, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, मेटालिक मीडियम, नॉन मेटालिक मीडियम, कई सारे मीडियम हैं, ठीक है। सो अलग अलग मीडियम का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, सोचिए अगर मीडियम है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होगा, मीडियम के अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मीडियम के जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है। तो हम एक सिंगल लाइन पे से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम, सो फॉर डिफरेंट मीडियम इट्स वैल्यू इज डिफरेंट, ठीक है। सो जैसे कि आप एक टर्म सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लाइट चैप्टर में आपने सुना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्रेस करता है। तो सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो बीटा का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम में और एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट किया गया। अगर मैंने बीटा को ये वैल्यूज की यूज़ करूँगा, पर मैंने ये जो वैल्यूज की यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली ये एसआई सिस्टम में मैं यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट।
एसआई यूनिट में बीटा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट अगर चार्जेस वैक्यूम में. सो अगर चार्जेस मीडियम में है तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूंगा. ठीक है, अब अगर कोई सीजीएस यूनिट यूज करता है, सीजीएस सिस्टम यूज करता है, उसके लिए सीजीएस सिस्टम में बीटा का वैल्यू 1 होता है. करेक्ट, अगेन चार्जेस कहाँ पे होना चाहिए, चार्जेस इन वैक्यूम, वैक्यूम में है और आप सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको बीटा को 1 पुट करना पड़ेगा. करेक्ट, अब ये सारे वैल्यूज को अगर हम कंसिडरेशन करते हैं सो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा. सो फाइनली हम एज पर कूलम्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, काफी बेसिक और फंडामेंटल लॉ है, तो हम फाइनली कूलम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है और फोर्स को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2r2. देखिए, पर ये एक्सप्रेशन तब यूज होगा जब हम एसआई सिस्टम यूज करेंगे और वैक्यूम में चार्जेस होना चाहिए. ठीक है, इन वैक्यूम आप कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वैक्यूम में अगर है चार्जेस तो एक्सप्रेस आए, तो ये हम एसआई सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं. अगर सीजीएस सिस्टम है तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू ओनली Q1 Q2r2. दिस इज द फोर्सेस इन सीजीएस सिस्टम. करेक्ट, सीजीएस एंड इन वैक्यूम. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है बार बार आपको बता रहा हूं, तो ये दोनों फंडामेंटल एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान में रखिए. आगे जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वैसे ज्यादातर प्रॉब्लम हम एसआई सिस्टम में फेस करेंगे, तो एसआई सिस्टम में आपके ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना पड़ेगा. अब मैं एप्सिलॉन नॉट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. सो ध्यान दीजिए, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपके एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स आप निकाल सकते हैं. ठीक है, सो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का, ये है 8.85 × 10⁻¹². ये तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा, ये एसआई सिस्टम में लिख रहा हूं, तो आप बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा. ये डिनोमिनेटर में है, सो डेफिनेटली ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिस विल बी इक्वल्स टू न्यूटन. देखिए, ये वहां पे मल्टीप्लीकेशन हो गया है. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कूलम स्क्वेयर बाय न्यूटन मीटर स्क्वेयर. मैंने यहाँ पे आर स्क्वेयर मीन्स डिस्टेंस, मीटर स्क्वेयर फोर्स को न्यूटन में एक्सप्रेस किया और चार्ज को कूलम में एक्सप्रेस किया. करेक्ट, तो ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. और अगर आप इसको पुट कर देते हैं सो 1/4πε0, ये सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 9×10⁹, क्योंकि ये डिनोमीटर में चला गया तो इसलिए इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. करेक्ट, देखिए तो ये है उसके वैल्यूज है. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इस वैल्यूज को ध्यान में रखना चाहिए. तो ये एक स्पेशल वैल्यूज है, इसको भी आप इसको ध्यान में रखिए. ठीक है, तो ये जो आपके सामने फोर्स का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, तो ये मैंने आपको जस्ट मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस किया, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्रेस नहीं किया. जबकि फोर्स स्केलर नहीं, फोर्स क्या है, वेक्टर है. यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, जस्ट एक स्केलर फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे बोल सकते हैं. अभी हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे. सो हाउ टू एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो इसलिए तब तक इसको मिटा देते हैं. सो नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करें. आप जानते हैं कि कोई भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के लिए हमें बार बार यूनिट वेक्टर को यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो मैंने अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके एक्सप्लेन करना चाहूंगा. सो केयरफुली ध्यान दीजिए, उसके लिए हम एक 3-dimensional फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं. करेक्ट, तो ये जो 3-dimensional फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप ले सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको एक इनर सेल फ्रेम बना देते हैं, जैसे कि ग्राउंड फ्रेम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. करेक्ट, तो ये दोनों, ये तीनों जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट हम वैसे ही दो चार्ज ले लेते हैं. ठीक है, जैसे ये Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट दिस बी R1, और सिमिलरली ये चार्ज Q2 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर को R2 ले लेते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर हम इस फ्रेम के जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं. ठीक है, अगर आप इसको एक एब्सोल्यूट फ्रेम मानते हैं सो दीज आर द एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर. ठीक है, जैसे कि हम Q1 और Q2 उसको एक दूसरे के रेस्पेक्ट भी एक्सप्रेस किया जा सकता है. मैंने इसलिए और एक पोजिशन वेक्टर ले रहा हूं, ये देखिए,
ये पोजिशन वेक्टर जो है ये एरो Q2 को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए इसका नाम मैं दे सकता हूँ R21। R21 मीन्स Q2 का पोजिशन वेक्टर है और Q1 के रेस्पेक्ट। सिमिलरली अगर हम रिवर्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू R12। R12 मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, और जो उनके बीच का डिस्टेंस ये तो हम पहले से ले चुके हैं, हम इसको पहले से R लिख रहे हैं। तो आई मीन R12 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, लेट दिस बी स्मॉलर, जो स्मॉलर मैं आपको पहले से लिख रहा था, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपस में रिपेल करेंगे, कुछ तो हमें केसेस लेना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, दोनों को पॉजिटिव या तो दोनों को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, दोनों आपस में रिपेल होंगे। सो जब रिपेल होंगे तो एक फोर्स और एक फोर्स क्रिएट होगा। वैसे भी दुनिया भर में जब भी इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन में कभी भी एक फोर्स कभी भी क्रिएट नहीं होता। आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, जब भी दो पार्टिकल्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है। हम इनमें से किसी को भी एक्शन मान सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन मान सकते हैं। सपोज इस फोर्स को हमें नोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स Q2 पे एक्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको F21 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टू मीन्स जिस पे फोर्स लगा और वन मीन्स जिसके वजह से लगा। सो F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। और अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो इसको मुझे इसी तरीके से नेमिंग करना पड़ेगा F12, दैट मीन्स फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। सो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ सेटिस पे हो रहे हैं। सो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें डेफिनेटली ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। सो F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं पहले से F एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। ये फोर्स तो मैं पहले से एक्सप्रेस कर चुका हूँ, इसको मैंने अभी भी लिखा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, इसलिए अपने आप आपको समझ लेना चाहिए कि चार्जेस सभी वैक्यूम में, करेक्ट। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, आपको सही है सभी वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो बस आपको अगर वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो आपको एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, करेक्ट। सो अब मैं आगे जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ आप इसको केयरफुली ध्यान में इसको पढ़िए। सो एफ वन टू वेक्टर जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, करेक्ट। ये फोर्स को हम एक्सप्रेस करने के लिए मैंने अभी कैसे लिख रहा हूँ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये तो पहले से लिख चुका हूँ, ये इसके मैग्नीट्यूड है। बस हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है डायरेक्शन। आप देखिए एफ वन टू वेक्टर को देखिए, उसके डायरेक्शन के साथ कौन से पोजिशन वेक्टर के डायरेक्शन सेम दिख रहा है। देखिए जो एफ वन टू के डायरेक्शन है वो आर वन टू का भी डायरेक्शन है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, दोनों के डायरेक्शन क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहा है। इसलिए आप बताइए क्या मैं यहाँ पे R12 क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं क्या लगने से ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और व्हाट इज यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मैंने R12 का डायरेक्शन और F12 का डायरेक्शन सेम देख रहा हूँ, इसलिए मैंने R12 क्या मल्टीप्लाई किया, मैं R21 क्या मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर मुझे F21 को एक्सप्रेस करना है तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइन। सो अभी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। सो अगर आपको ये समझ में आ गया है, सो दिस विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R12 क्या आपको आप R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर का मॉड ऐसा आप लिख सकते हैं, फाइन। तो इससे क्या होगा, आपने इस यूनिट वेक्टर को इस तरीके से जब एक्सप्रेस करेंगे तो फाइनली आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय RQ। देखिए RQ कैसे हो गया, RQ क्यों हुआ, बिकॉज़ ये पहले से मैं लिख चुका हूँ, इनका मॉड हम R ही मान रहे हैं। सो R इनटू R स्क्वायर ये हो गया, RQ हो गया है, और आउटसाइड इसके बाहर हम इसको R12 वेक्टर इस फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे। तो यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। बस एक छोटा सा वेक्टर का आइडिया लगा रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है, हमने वेक्टर के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सिमिलरली आप F21 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखिए और इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, फाइन। सो दिस कंप्लीट्स द कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ गया है,
नेक्स्ट स्टेप में हमें जो एक्सप्लेन करना है वो है लिमिटेशंस। कूलम्स लॉ में क्या लिमिटेशंस है, ये जो लिमिटेशन है हम इसको अभी हम लिमिटेशन स्टार्ट कर देंगे। कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन है, फर्स्ट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो एक्सप्रेशन है एफ इजिकल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, उसमें क्यू वन भी एक पॉइंट चार्ज है और क्यू टू भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल है, ठीक है। सो सेकेंड लिमिटेशन, चार्जेस एट रेस्ट। जब हम ये एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे उसमें चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिए कि जब आप कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली जब अप्लाई करेंगे, सो दैट मीन्स आप जो फॉर्मूला है एफ इजिकल टू, फॉर एग्जाम्पल एफ इजिकल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं सो क्यू वन भी पॉइंट चार्ज होना चाहिए, क्यू टू भी पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तो जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि सपोज आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें चार्ज पॉइंट नहीं है, सपोज कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो वहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके छोटा पार्ट लेके, उसका एलिमेंटरी पार्ट लेके, एलिमेंटरी वॉल्यूम, एलिमेंटरी लेंथ या एलिमेंटरी एरिया, ऐसे लेके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आप उसके एक एलिमेंटरी पार्ट ले रहे हैं, सो एलिमेंट लेंगे तो दैट विल एक्ट एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। जैसे कि एक लाइन दिया है, लाइन ऑफ चार्ज दिया है, तो वो लाइन का एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, एक डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं, वो डिफरेंस लेंथ में जो चार्ज होगा दैट विल एक्ट एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये एक लीनियर चार्ज है, करेक्ट, लीनियर चार्ज, और इसमें चार्ज थ्रू आउट इट्स लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लेंगे इसका, एक छोटा सा पार्ट लाइक डीएक्स, इसका लेंथ डीएक्स ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा सा लेंथ है, जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, इस पे जो चार्ज है इसको डी क्यू मान लेते हैं, करेक्ट। तो ये जो डी क्यू है दिस विल एक्ट एज पॉइंट चार्ज, तो आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लाइन ऑफ चार्ज है, अगर इसके कुछ सेपरेशन में और एक चार्ज ले लिया गया, सपोज क्यू वन चार्ज ले लिया, ओके, और ये इसका पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, सपोज इसका लेंथ एल है, ठीक है, और एल दिया हुआ है, लैम्डा दिया है, लैम्डा मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। तो इस लाइन का लेंथ एल है और आपको लैम्डा गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हम इसको कभी कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। और कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी आपको दिया है, लेट दिस बी ए, इसको ए में डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज और क्यू वन चार्ज, तो उसके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन बोला जाएगा, ये फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस प्रकार के सिचुएशन, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इस प्रकार के सिचुएशन में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। जो बच्चे कई बार गलत करते हैं, बच्चे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी मेरा जैसे ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है ये पूरा चार्ज जो है वो सेंटर पर कंसनट्रेट हुआ है, फिर वो सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल देते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट वो गलत हो जाएगा। ऐसे आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी लिख के दिया हूं कि डायरेक्टली कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों चार्जेस Q1 भी और Q2 भी
दोनों चार्जेस क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इसलिए बेटर मेथड ये होगा, सही मेथड ये होगा कि हमें क्या करना चाहिए, छोटा सा एलिमेंट, उसके छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करें, उसका लेंथ को dx लिखें, उसका चार्ज को dq लिखें, ठीक है। dq विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, तो ये जो पॉइंट चार्ज dq है और ये और एक पॉइंट चार्ज q1 है, उनके बीच हम सबसे पहले फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हम dx डिफाइन कर रहे हैं तो हमें x भी डिफाइन करना पड़ेगा, x यहाँ पे हमारे लिए वेरिएबल हो जाएगा। x क्या है, वो जो एलिमेंटरी चार्ज लिया, उस एलिमेंटरी चार्ज और q1, उनके बीच जो सेपरेशन है, तो मैं इसको x में रिप्रेजेंट किया, करेक्ट। तो x खुद एक वेरिएबल है, x ही यहाँ पे वेरिएबल है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें x का ही लिमिट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे अभी एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, df। सो df इज द फोर्स बिटवीन q1 एंड dq, उन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन हो df है। सो df क्या होगा आप ही बताइए, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। देखिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बट इसको लेके यूज कर रहा हूं, सो dq इनटू q1 अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर, बिकॉज वो दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन क्या है, x है, और x कांस्टेंट नहीं है, x विल वेरी, जैसे जैसे एलिमेंट का पोजिशन बदलेगा तो x भी बदलेगा, ठीक है। सो ये आएगा, हम यहाँ पे dq को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे dq लिखा हूँ, क्या हम dq को लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं, बिकॉज लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, ठीक है। अगर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है सो dq क्या होगा, dx लेंथ का चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx इज इक्वल टू dq। सो इसलिए अगले स्टेप में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ लिखा लैम्डा dx इंटू q1 अपॉन x स्क्वायर। देखिए ये एक्सप्रेशन df को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फाइन। सो फाइनली बस एक बार आपको df मिल गया, अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट किया तो राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट किया, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन का प्रॉपर लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो आपको टोटल फोर्स मिलेगा। सो अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ में जो चार्ज है, ये इस पर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसलिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। देखिए एक्स का लिमिट, तो लिमिट में कई बार बच्चे थोड़ा सा गलत कर देते हैं, तो लिमिट का मतलब बहुत ही सिंपल है, लिमिट मीन्स आपको एलिमेंट का पोजिशन को बदलते रहना पड़ेगा, करेक्ट। देखिए मैं रैंडमली एलिमेंट लिया था, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लेता हूँ, जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज लेता हूँ, लिमिट मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज, अगर मैं लिमिट के लिए मैंने अगर एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, सो एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा, ए होगा, और अगर मैं एलिमेंट उस तरफ लेता हूँ तो एक्स कितना होगा, ए प्लस एल होगा। देखिए अगर इस एलिमेंट के लिए एक्स ए होगा और उस एलिमेंट के लिए एक्स क्या होगा, ए प्लस एल होगा, इसलिए मुझे लिमिट यहाँ पे ए से ए प्लस एल ऐसे लिखना पड़ेगा, ये होगा इस इंटीग्रेशन का लिमिट, करेक्ट। तो इस लिमिट के साथ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपको फाइनली टोटल फोर्स आ जाएगा, सो दैट दिस इज एफ इज द फोर्स बिटवीन द लीनियर चार्ज एंड पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आइडिया आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा लिमिटेशन जो कि कूलम्स लॉ के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं बताता हूँ कि जब आप कूलम्स लॉ को डायरेक्टली यूज करते हैं, ये फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करते हैं, तो आप पॉइंट चार्ज पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, जैसे मैंने अभी ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन लिया, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस में हो सकता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो सकता है, बट आप ध्यान में रखिए हमेशा आपको एलिमेंटरी पार्ट लेके आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट को कभी कभी आप देखिए जो डी क्यू में लिखा हूँ, डी क्यू क्या है, डी क्यू एक पॉइंट चार्ज जैसा है, ये उस एलिमेंट का चार्ज है, और मैंने इसको लैम्डा डी एक्स क्यू लिखा, इसलिए लिखा बिकॉज मैंने लैम्डा को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, फाइन। तो आप लैम्डा को ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू बाय डी एक्स, ठीक है, बिकॉज डी एक्स लेंथ का चार्ज अगर डी क्यू है तो यूनिट लेंथ का चार्ज क्या होगा, डी क्यू बाय डी एक्स, तो यहाँ से डी क्यू कितना आएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, जो यहाँ पे लिखा गया है, फाइन चलेगा। सो ये था लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अभी नेक्स्ट हम, जैसे कि आपको ये सब चीज़ें मालूम हो गया है,
सो अभी आपको कूलम्स लॉ का डेफिनेशन मालूम पड़ गया, कूलम्स लॉ क्या है, उसके स्केलर फॉर्म क्या है, उसके वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलम्स लॉ के बारे में ये सारी चीज मालूम होने के बाद अब हम धीरे धीरे इसके आगे जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। अभी तक हमने चार्ज को कहाँ पे रखा, हमने वैक्यूम में रखा, ठीक है। तो चार्ज वैक्यूम लेके हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि F इजिकल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 की डिवाइड स्क्वायर, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है, आप हमेशा ध्यान में रखिए एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीन्स ये चार्ज डेफिनेटली वैक्यूम में होना चाहिए, ठीक है। सो कल आपको मैंने जब दो चार्ज पार्टिकल लिया था और वहाँ पे बताया था कि चार्ज पार्टिकल अगर मीडियम में लें तो क्या इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कई बार बच्चों को ये समझता नहीं है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो मीडियम के इफेक्ट है ये आपको अच्छी ढंग से समझना चाहिए, ठीक है। सो अभी हम इसके आगे जो है मीडियम का इफेक्ट स्टडी करेंगे, चार्ज पे या चार्ज पे जो इंट्रैक्शन है उस पर मीडियम का इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, चार्ज वही लेंगे, पॉइंट चार्जेस लेंगे Q1 Q2। सो इफेक्ट ऑफ मीडियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सो देखिए अभी हम वही काम कर रहे हैं कि यहां पे चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 और कुछ सेपरेशन में चार्ज Q2 है, पर यहां पे एक सराउंडिंग मीडियम आ गया है, ठीक है। डिस्टेंस आर, वो सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। डिस्टेंस इज आर और ये जो है देखिए अब ये एक मीडियम में आ गया है, ठीक है, फाइन। कल आपको बताया गया था कि मीडियम का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मीडियम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी मीडियम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए कल हमने एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था जिसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी, तो इस मीडियम का परमिटिविटी को एप्सिलॉन ले लेते हैं, फाइन। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, फाइन। अगर ये मीडियम आ चुका है तो फोर्स आप कैसे लिखेंगे, डेफिनेटली एज पर कूलम्स लॉ आप ये लिखेंगे एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहां पे एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं, ठीक है, इनटू Q1 Q2 बार स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल है, यस बिल्कुल सिंपल है, बट इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फाइन। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको एफ में रिप्रेजेंट किया या मैं इसको कुछ एफ डैश लिख देता हूँ, एफ डैश। जबकि कल हमने जैसे एक्सप्रेस किया था वहां पे चार्ज मीडियम में नहीं है, अगर चार्ज वैक्यूम में है, सेम चार्ज वैक्यूम में, सेम दूरी में है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स इन वैक्यूम क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्या है कि ये जो फोर्स आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम ये दोनों चार्ज को पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगा। तो ये है फोर्स इन वैक्यूम। क्या होता है कि जो फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा था मीडियम आने से Q1 Q2 जो Q1 Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा था वो क्या चेंज होगा, अब आपको काफी सीरियसली मेरे बात को ध्यान में रखना चाहिए। आप बोलिए Q1 और Q2 उनके बीच जो फोर्स है उनके बीच फोर्स तो नहीं बदलेगा, Q1 Q2 वो दोनों पार्टिकल आपस में उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना वैक्यूम में लगाए थे, पर मीडियम आने से एक छोटा सा इफेक्ट ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। कैसे इफेक्ट होता है, सोचिए यहाँ पे एप्सिलॉन, तो मैं अब एक टर्म डिफाइन करूँगा कि विच इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यह है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यह है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम,
हमें और एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एक नया मार्कर ले लेते हैं। सो एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? कुछ नहीं, बस आपको एक रेशियो लेना है, एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसका रेशियो को हमने बोला रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, इसका और एक नाम भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी को ही हम बोलते हैं के, इसको के में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, करेक्ट। और के को एक अलग नाम दिया गया है, के इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, करेक्ट। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो इसमें अगर आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो यहां से एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल के, विच इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन टू में पुट करेंगे। सो देयर फोर जो इक्वेशन टू है ये क्या हो जाएगा, सो देयर फोर फोर्स एफ डैश फोर्स क्या होगा, अभी मैं एफ डैश के बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा। सो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाए जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। अच्छे से देखिए, सो यहाँ पे एक अलग सा टर्म आ गया, के आ गया है, विच इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, बिकॉज मीडियम बदलेगा तो एप्सिलॉन बदलेगा तो के भी बदल जाएगा। तो ये जो आया है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन के इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। देखो तो ये किस एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो गया है, हमने वैक्यूम में फोर्स को एफ एक्सप्रेस किया था, तो दिस इज इक्वल टू एफ बाय के, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय के। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों चार्ज मीडियम में आने की वजह से उनके बीच जो इफेक्टिव इंट्रैक्शन है, इफेक्टिव इंट्रैक्शन को मैंने एफ डैश लिखा हूँ, और एफ बाई के हो गया है, दैट मीन्स वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था और अब जो फोर्स इफेक्टिवली लग रहा है वो रिड्यूस हो गया है, के टाइम्स रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है, यहीं पे ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है, और इसी चीज को लेके बार बार जेईई और नीट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए जो फैमिलियर चीजें हैं वो तो आपको दिखेगा, बट जो थोड़ा थोड़ा अनफैमिलियर चीजें हैं, कुछ डेप्थ कंसेप्ट है वो आपको ध्यान में रहना जरूरी है, वही आपको पर्टिकुलरली हेल्प करेगा जेईई और नीट के लिए। ठीक है, एफ डैश क्या है वो समझना जरूरी है, एफ क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, एफ डैश क्या है, एफ डैश है इफेक्टिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। मैं क्यों इफेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूं, या मैं नेट फोर्स बोल सकता हूं, है ना, इफेक्टिव वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मीडियम आने की वजह से मीडियम में भी तो कुछ हलचल होगा ना, वो बात को समझिए, ये चार्ज अकेला नहीं है, उसके सराउंडिंग में मीडियम आ गया है और उस मीडियम का भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, तो चार्ज आने से मीडियम में कुछ चेंजेस आएगा, वो क्या चेंज आएगा अब मैं आपको वो भी आपको बताने वाला हूँ। सो मीडियम आने की वजह से मीडियम में कुछ इलेक्ट्रिक चेंजेस आएगा, मीडियम का वो इलेक्ट्रिक चेंज, और पहले से एक फोर्स लग रहा था, ठीक है, पहले ये फोर्स लग रहा था, अभी भी यही फोर्स यहाँ पे लग रहा है, देखिए Q1 Q2 यहां पर भी Q1 Q2 उनके बीच जो फोर्स है वो तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो Q1 Q2 आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो यही रहेगा, यहां पर भी Q1 Q2 आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो यही रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है देखिए, बट मीडियम आने से मीडियम में कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस आएगा, जो इलेक्ट्रिकल हलचल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आएगा, वो इलेक्ट्रिकल चेंज और Q1 Q2 का इंट्रैक्शन दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों इफेक्टिवली फोर्स को क्रिएट करेंगे, और उस फोर्स का नाम क्या है, एफ डैश है। आप समझ पा रहे हैं? और एक बार बता रहा हूं कि Q1 Q2 आपस में एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे, वो फोर्स आपके सामने है,
Q1 Q2 वही Q1 Q2 है, वही डिस्टेंस है, तो ये आपस में Q1 Q2 आपस में वही फोर्स एग्जर्ट करेंगे जो यहां लिखा हुआ है। बट अभ्यास क्यों क्यों मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि मीडियम जो है, ये जो मीडियम सराउंडिंग में दिख रहा है, तो इस मीडियम में भी चार्ज की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस मीडियम में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आएगा, जब ये चार्ज नहीं था तो मीडियम कैसे था, सिंपल मीडियम था, ठीक है। चार्ज आने की वजह से मीडियम में क्या हलचल होगा, इलेक्ट्रिकल चेंज होगा, वो इलेक्ट्रिकल चेंज और Q1 Q2 का जो इंट्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों मर्ज होकर इफेक्टिवली इंट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, और वो इंट्रैक्शन कौन सा, एफडीएस है। तो एफडीएस को मैं क्या लिखूंगा, बेटर होगा कि एफडीएस को अगर मैं ऐसे लिखूं, एफडीएस इज द इफेक्टिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बाय द इफेक्ट ऑफ मीडियम, तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं लिख ही लेता हूं, आप भी लिख लेना, ठीक है। तो एफडीएस को हम ऐसे लिखेंगे कि इफेक्टिव, दिस इज द इफेक्टिव फोर्स, या नेट लिखा भी चलेगा, ओके, नेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, इफेक्टिव फोर्स बिटवीन Q1 Q2 अंडर इफेक्टिव क्यों ना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम, करेक्ट, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम, फाइन। तो जब ये मीडियम का इफेक्ट हो रहा है, वो सब सुपरइम्पोज होके, मीडियम का इफेक्ट सुपरइम्पोज होके फाइनल आपको क्या दिख रहा है कि फोर्स कम हो जा रहा है मीडियम में, इफेक्टिव फोर्स, नेट फोर्स के टाइम्स कम हो जा रहा है। ये जितना ज्यादा होगा, मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, वो जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, उतना कम होगा, करेक्ट। सो इसलिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये इसको एज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सेप्ट कीजिए। आप जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके इंपोर्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। मैं पहले से बताया हूं, हम जो भी टॉपिक यहां पे लर्न कर रहे हैं, इसको सिंपल थ्योरी के हिसाब से मत लीजिए। ये वो थ्योरी है जो हम बार बार आगे जाके यूज करने वाले हैं। तो आप थ्योरी क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज आपको आगे अप्लाई करना है। बिना एप्लीकेशन में फिजिक्स का कुछ मतलब नहीं है। आप जितने ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे, उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होल्ड बनकर रहेगा, ठीक है। सो करेक्ट, तो अभी इस पे कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है इफेक्ट ऑफ मीडियम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई सारे प्रॉब्लम्स है जिसमें ये जो टॉपिक इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको और भी अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया कि मीडियम इफेक्ट में फोर्स इफेक्टिवली कम हो जा रहा है, ठीक है, इफेक्टिवली कम हो जा रहा है, मतलब जो एफडीएस फोर्स है, ये इफेक्टिव फोर्स है। देखिए, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, मैंने दोनों चार्ज का सिंबल पॉजिटिव लिया हूं, ये भी प्लस Q1 और ये प्लस Q2, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस यहीं पे हैं, ये वही चार्ज है Q1 Q2, बट ये वैक्यूम में है। वैक्यूम में जब है तो दोनों को रिपेल कर रहे हैं, और रिपल्सिव फोर्स का एक्सप्रेशन ये है 1/4 epsilon naught Q1 Q2 r square। epsilon naught क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब जो मीडियम आ गया है, जिस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो तब उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ये डायग्राम अच्छे से देखिए। इस डायग्राम में और भी डेप्थली एनालिसिस किया गया है। सोचिए, जो प्रीवियस डायग्राम था, प्रीवियस डायग्राम को और डेप्थली रिप्रेजेंट किया गया है। प्रीवियस डायग्राम देखिए, मीडियम वाला, वो प्रीवियस डायग्राम देखिए, उस डायग्राम को और डेप्थली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो कैसे डेप्थली रिप्रेजेंट किया गया है, आपको और भी ज्यादा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या है, मैंने यहाँ पे दो नहीं, तीन फोर्स दिखा चुका हूं, यहाँ पे थ्री फोर्सेस है। चार्ज पे आपको थ्री फोर्सेस दिख रहा है, आप कोई भी चार्ज सिलेक्ट कीजिए, जैसे प्लस Q1 है, यहां तो एक ही फोर्स था जिसको हमने एफ लिखा था। एफ क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, बट यहाँ पे तीन फोर्सेस कहां से आया, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिखाया गया है। एफ वही फोर्स है जो वैक्यूम में एक्ट हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, ये जो एफ है, ये वही फोर्स है जो वैक्यूम में लग रहा था, ठीक है। उसको मैं दोबारा यहां पे दिखाया हूं, वैक्यूम वाला जो फोर्स है। और एफ एम क्या है, मैंने आपको बताया कि मीडियम आने की वजह से, मीडियम में जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है, मीडियम में इलेक्ट्रिकल हलचल क्रिएट होता है, उस इलेक्ट्रिकल जो अरेंजमेंट है, मीडियम का इलेक्ट्रिकल रीअरेंजमेंट होता है,
उस रीअरेंजमेंट की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है जिसको मैं एफ एम लिखा हूं। एफ एम जो है ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है किसका, मीडियम का। और एफ क्या है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है किसका, दोनों चार्ज के बीच का इंटरेक्शन का। तो दोनों चार्ज का जो इंटरेक्शन है वो एफ है, और मीडियम आने की वजह से, मीडियम की वजह से एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्रिएट हुआ जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, एफएम लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मीडियम नहीं है तो एफएम नहीं होगा, एफएम नहीं होगा तो एफडीएस भी नहीं होगा। एफडीएस क्या है, एफडीएस क्या है, नेट फोर्स है। मैं आपको इफेक्टिव फोर्स बताया था, तो अगर एफडीएस इफेक्टिव फोर्स है, आपको ऑलरेडी लिख कर दिया, एफडीएस इज इफेक्टिव फोर्स या नेट फोर्स, करेक्ट, नेट फोर्स है। तभी तो मैं एफडीएस को ऐसे लिख रहा हूं ना, अब देखिए एफडीएस इज इक्वल टू एफ माइनस एफएम, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैंने यहां पे माइनस साइन दिया। अभी अगला क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों हुआ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप बोलेंगे कि अरे ये चार्ज प्लस क्यू वन है, ये चार्ज प्लस क्यू टू है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, फिर मैंने एफएम को राइट हैंड साइड क्यों लिखा, एफ को लेफ्ट साइड, एफएम को राइट हैंड साइड क्यों लिखा, ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं। तो एफ माइनस एफ एम इज इक्वल एफडीएस, एफडीएस क्या है, इफेक्टिव फोर्स है, एफडीएस क्या है, नेट फोर्स है। इसलिए हम इसको एफ माइनस एफ एम लिख सकते हैं। जो एफडीएस जो है वो कितना है, एफ बाई के है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब आप एफडीएस लिखते हो, जब आप नेट फोर्स लिखते हो, जब आप इफेक्टिव फोर्स लिख रहे हैं, तो आपको एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, करेक्ट। सो के मीन्स डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, मैंने आपको अभी भी बताया था। तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। यहां से हम एप्सिलॉन को के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जिसकी वजह से एफ डैश विल बी इक्वल्स टू एफ बाय के, जहां पे एफ क्या है, फोर्सेस इन वैक्यूम। तो फोर्स इन वैक्यूम बाय डायरेक्टिव कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ डैश, एफ डैश क्या है, नेट फोर्स, बार बार बता रहा हूं। तो अगर हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो एफ डैश एफ बाय के इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एम, फिर हम इसको उस तरफ ले लेते हैं। तो इससे मीडियम का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, मीडियम की वजह से जो इफेक्ट आया वो है एफ एम, फोर्स ड्यू टू मीडियम इज इक्वल टू एफ मीन्स फोर्स इन वैक्यूम। तो फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम उनके बीच रिलेशन देखिए, सो एफ एम इज इक्वल टू एफ इन टू वन माइनस वन बाई के, करेक्ट। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आखिरी में आपके मन में जो कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर कर दूंगा। कन्फ्यूजन क्या है, क्यों एफ एम को राइट हैंड साइड दिखा रहे हैं, मीडियम आने से क्यों एफ एम आया, ठीक है। उसके लिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान दीजिए। मैं सपोज एक डायलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, तो कुछ नहीं, एक मीडियम है, एक मीडियम कोई भी मीडियम को हम डायलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी मीडियम को आप डायलेक्ट्रिक मीडियम ले सकते हैं, एयर भी डायलेक्ट्रिक है, वाटर भी डायलेक्ट्रिक है, प्लास्टिक भी डायलेक्ट्रिक है, मेटल भी डायलेक्ट्रिक है, ठीक है। सो सिर्फ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबके लिए क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में हम मीडियम को क्या बोल रहे हैं, डायलेक्ट्रिक मीडियम बोल रहे हैं, करेक्ट। ये एक डायलेक्ट्रिक मीडियम है और जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। सपोज मैंने यहां पे चार्ज लिया, करेक्ट, ये चार्ज है, तो ये चार्ज को मैंने क्यू वन लिखा, जैसे वहां पे आपको दिख रहा है प्लस क्यू वन चार्ज लिखा। क्या होता है कि जो डायलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं, डायलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल जैसे बिहेव करते हैं, करेक्ट। आप ध्यान दीजिए, पोलर मॉलिक्यूल्स आप जानते होंगे, अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें ऑलरेडी चार्ज, पोलर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या है, जीरो है, बट चार्ज सेपरेटेड स्टेट में रहते हैं, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सो पोलर मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। जब ये चार्ज के प्रेजेंस में मीडियम रहता, सो मीडियम में जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनका ऐसे अरेंजमेंट हो जाता है, एक रीअरेंजमेंट होता है, देखिए ऐसा चेन जैसे अरेंज्ड हो जाते हैं, और इसी अरेंजमेंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ मीडियम। जब मीडियम में चार्ज आ जाए तो मीडियम में क्या इफेक्ट होता है वो आपको देखना चाहिए। हम बार बार चार्ज पे इफेक्ट देखते हैं, बट आप मीडियम पे तो देखिए मीडियम पे क्या इफेक्ट आता है, चार्ज आने से मीडियम में ऐसे इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, इस अरेंजमेंट पे ऐसा होगा कि अगर प्लस है यहाँ पे माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे एक अलाइनमेंट हो जाता है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स खुद कैसे अलाइन करते हैं, करेक्ट।
माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप ही बोलिए कि ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है, जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, सो दिस इज डायलेक्ट्रिक मीडियम, या सिंपली मैं जो मीडियम बोल रहा था वो मीडियम को मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ डायलेक्ट्रिक मीडियम, ओके। इस डायलेक्ट्रिक मीडियम का इस सरफेस में कौन सा चार्ज आ गया है, ये सरफेस में देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया है, करेक्ट। और ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। सो अगर इस डायग्राम को हम ऐसा देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है उस अट्रैक्टिव फोर्स को मैंने FM में रिप्रेजेंट किया हूँ, फाइन। सो मीडियम का इफेक्ट देखिए, इस मीडियम में नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे इफेक्टिवली वो डायग्राम दिखा रहा हूँ। सो इस पोलर मॉलिक्यूल को मिटा देते हैं, तो इफेक्टिवली क्या हुआ, ये जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है उसके उस तरफ जिस तरफ चार्ज है उस सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया, और ये चार्ज कौन सा है जो हमने लिया था, प्लस क्यू वन, करेक्ट। तो प्लस क्यू वन जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हुआ, सो मीडियम की वजह से क्या इफेक्ट गिरा, अब ये जो नेगेटिव है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मीडियम का जो अट्रैक्शन है ये मैं राइट साइड ही तो दिखाऊंगा ना, तो इसको मैं क्या लिखा, FM, वापस देखिए वहां पे, तभी इसको FM को मैं राइट साइड में दिखा रखा हूं। सो ये इसका डायरेक्टली लिंकिंग यहां पे।